एक शातिर बदमाश को करीब 1 किलो गांजी सहित गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है कि वह गांजा कहां से लाए थे और कहां ले जा रहे थे। आजाद नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बदमाश गांजा लेकर किसी को देने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने 3 इमली ब्रिज के पास घेराबंदी कर राजेश को पकड़ा। राजेश के पास से पुलिस को 1 किलो 100 ग्राम गांजा मिला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि बदमाश ये गांजा कहां से लाए थे और कहां ले जा रहा था। ये कल रात में 17/1/2021 की रात को करीब 12:30 बजे एक मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो 3 इमली ब्रिज के नीचे सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हुआ है और वो मतलब इसके हाथ में कुछ गुलाबी कलर की एक कपड़े की थैली है जिसमें कुछ अवैध मादक पदार्थ टाइप का कुछ समझ में आ रहा है। इस प्रकार मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मेरे द्वारा टीम को तैयार किया जाकर मौके पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें उस मुखबिर के बताए अनुसार जिस होलिया का व्यक्ति जो था पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे हम लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ा। उसकी तलाशी ली तो उसके पास 1 किलो 100 ग्राम करीब गांजा मिला। उससे पूछताछ की, उसका नाम राजेश जोशी, पिता विनायक जोशी, निवासी 8/3 चंद्रभागा वार्ड नंबर धर्मशाला के पास रावजी बाजार का रहना बताया। और मौके पर उससे उसके पास से जो 1 किलो 100 ग्राम गांजा था जब्त किया गया और उस थाना लगाकर उसका मतलब अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्रवाई में प्रधान आरक्षक मतलब मेरे साथ में टीम में उपनिरीक्षक नूर मसीह, उपनिरीक्षक वैसाखू ध्रुवे, प्रधान आरक्षक महेश चौहान व आरक्षक सचिन की अच्छी भूमिका रही और विशेष तौर पर उन्हीं की सूचना पर हम लोगों के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। इसके द्वारा इस संबंध में भी पूछताछ से कर रहे हैं, आरोपी से पूछताछ जारी है। पूर्व का अपने थाना आजाद नगर में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसका, और रावजी बाजार का रहने वाला है तो वहाँ से भी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी लेकर आगे कार्रवाई की जाती है।